नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरी YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं दसवीं कक्षा का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम जानते हैं कि परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। जो पहला वाला नियम है उसमें दोनों एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होते हैं। और दूसरा वाला जो नियम है उसमें तीनों जो रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों तीन एक ही प्लेन में रहती हैं। तो मैं आज हिंदी में ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्लेन मिरर का टुकड़ा लिया हुआ है। उसके पीछे मैंने एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर शेप का एक छोटा सा ब्लॉक लिया, उसको मैंने प्लेन मिरर से चिपकाया है जिससे मिरर हिले नहीं और अच्छे से पेपर पे रह सके। थोड़ी सॉफ्ट बोर्ड पिंस, एक प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, इरेजर, एक A4 साइज का पेपर और दोस्तों मैंने लिया है एक छोटा सा थर्मोकॉल का टुकड़ा जिसको मैंने एक थर्मोकॉल की बड़ी सी शीट में से काटा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस ली हुई हैं और मैं A4 साइज के जो दोनों एजेस होते हैं वहाँ पे मैंने सॉफ्ट बोर्ड पिंस लगा दी हैं, ताकि पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये सॉफ्ट बोर्ड पिंस पेपर को हिलाए नहीं। तो अब दोस्तों आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और आप ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन टेढ़ी ना बने, एकदम स्ट्रेट बने, और जो स्ट्रेट लाइन के दोनों सिरे जो हैं, एंड्स होते हैं, वो A4 साइज पेपर से समान दूरी पे रहे। अब मैंने एक छोटा सा बिंदु बनाया है सेंटर पे और ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे इंसिडेंट रे मिरर पे गिरेगी। यहां पे मैं एक प्रोट्रेक्टर रखूंगा दोस्तों और मैं ध्यान रखूंगा कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो प्रोट्रेक्टर की जो काली वाली लाइन है उससे मैच कर जाए और अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर आए। वहां पे भी मैंने एक बिंदु लगा दिया है, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। अब यहां पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री रखूंगा दोस्तों, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मेजर किया जाता है नॉर्मल से। इसका मतलब है मेरा जो इंसिडेंट, मेरी वाली जो इंसिडेंट रे है वो 40 डिग्री के ऊपर से पास होगी दोस्तों। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, 40 और 90 के बीच का जो एंगल होगा वही होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे हम दोस्तों दो पिंस रखेंगे इंसिडेंट रे पे और हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों पिंस के बीच की दूरी मिनिमम 5 सेंटीमीटर हो, और 5 सेंटीमीटर से जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतनी आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो पिंस के बीच की दूरी है वो 6.5 सेंटीमीटर रखी हुई है। अब मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर सेट कर दिया है उसी लाइन पे जो हमने स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ की हुई थी। अब ये दो पिन से दोस्तों उसकी जो इमेज है वो प्लेन मिरर में वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे, और इस डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पिंस की जो वर्चुअल इमेज है वो आपको मिरर के पीछे समान अंतर पे दिखाई दे रही है, मतलब पिन का जो डिस्टेंस मिरर से है उतने ही डिस्टेंस पे आपको
पीछे पिंस की इमेज मिलेंगी। आप अब दोस्तों आपकी जो आंख है वो थर्मोकॉल के लेवल पे आनी चाहिए और आपको एक आंख बन करके दूसरी दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में लगानी होंगी। लेकिन आप ये दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस ऐसे लगाएं कि ये दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस और जो पहले वाली सॉफ्ट बोर्ड पिंस की जो इमेजेस है वो आपको चारों एक लाइन में नजर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मैंने जो दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस लगाई हैं ब्लू कलर की वो और पहले वाली दो सॉफ्ट बोर्ड पिंस की जो इमेज है वो मुझे चारों चार एक ही लाइन में नजर आ रही हैं। मतलब यहाँ पे जो हम एरर्स करते हैं उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है दोस्तों। तो अब हम दोस्तों सॉफ्ट बोर्ड पिंस को हटा लेंगे, मिरर्स को भी हटा लेंगे। यहां मैं मार्क कर रहा हूं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री लिया हुआ था। अब मैं रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन वाली पिंस को भी हटाऊंगा और वहां पे मैं मार्क कर दूंगा। अब दोस्तों स्केल के जरिए मैं ये दोनों मार्क्स और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ूंगा। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है और उसका एंगल हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोलते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम प्रोटेक्टर से मेजर कर लें। तो वापस से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोटेक्टर की जो काली वाली लाइन है वो हमारी लाइन से मैच कर जाए। अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है दोस्तों वो हम 90 डिग्री से गिनेंगे। ये जो एंगल आ रहा है दोस्तों वो 51 डिग्री आ रहा है। देखिए जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत एरर्स तो आ ही जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% 50 डिग्री ही लाना है, लेकिन आप जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट प्रिसाइजली करें ताकि जो एंगल्स है वो आपके अच्छे आए। एक दो डिग्री का एरर है वो दोस्तों वो हमेशा चलता है। तो आइए दोस्तों अब हम फाइनली हमारे जो सारे एंगल्स है उसको लिख लें। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 डिग्री आना चाहिए लेकिन 51 डिग्री आ रहा है, तो दैट्स ओके दोस्तों।